ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਿਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ। शाम उसकी अपने पति नाल मामूली गल नूं लै के बहस हो गई। औरत कुछ समय लई छत ते चली गई। पति नूं इंज जापिया कि वह बाथरूम गई होगी। औरत का पति जब छत ते गया तां देखिया कि सोनिका ने कमरे दे विच पखे नाल फाहा लाया होया है। सूचना तो बाद मौके ते पहुंची पुलिस ने लाश नूं कब्जे विच लै के पोस्टमार्टम लई भेज दिता। पुलिस का कहना है कि इस मामले दे विच सीआरपीसी की धारा 144 तहत कार्रवाई करके अगली तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखते रहो लुधियाना लाइव। लुधियाने शहर में एक गर्भवती औरत ने घर के ऊपर वाली मंजिल से फाहा ला के खुदकुशी कर दी। जानकारी मुताबिक तकरीबन 9 साल पहला सोनिका नाम की लड़की का विआह नवदीप शर्मा के नाल होया सी। कुछ समय बाद ही उन्होंने घर एक बेटी ने जन्म लिया। परिवार दीआं परेशानियां उस वेले वधीआं जदों उन्हां नूं पता लग्या कि लड़की नूं किडनी की दिक्कत है ते औरत पिछले समय तो गर्भवती। शाम उसकी अपने पति नाल मामूली गल नूं लै के बहस हो गई। औरत कुछ समय लई छत ते चली गई। पति नूं इंज जापिया कि वह बाथरूम गई होगी। औरत का पति जब छत ते गया तां देखिया कि सोनिका ने कमरे दे विच पखे नाल फाहा लाया होया है। सूचना तो बाद मौके ते पहुंची पुलिस ने लाश नूं कब्जे विच लै के पोस्टमार्टम लई भेज दिता। पुलिस का कहना है कि इस मामले दे विच सीआरपीसी की धारा 144 तहत कार्रवाई करके अगली तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखते रहो लुधियाना लाइव। लुधियाने शहर में एक गर्भवती औरत ने घर के ऊपर वाली मंजिल से फाहा ला के खुदकुशी कर दी। जानकारी मुताबिक तकरीबन 9 साल पहला सोनिका नाम की लड़की का विआह नवदीप शर्मा के नाल होया सी। कुछ समय बाद ही उन्होंने घर एक बेटी ने जन्म लिया। परिवार दीआं परेशानियां उस वेले वधीआं जदों उन्हां नूं पता लग्या कि लड़की नूं किडनी की दिक्कत है ते औरत पिछले समय तो गर्भवती सी। शाम उसकी अपने पति नाल मामूली गल नूं लै के बहस हो गई। औरत कुछ समय लई छत ते चली गई। पति नूं इंज जापिया कि वह बाथरूम गई होगी। औरत का पति जब छत ते गया तां देखिया कि सोनिका ने कमरे दे विच पखे नाल फाहा लाया होया है। सूचना तो बाद मौके ते पहुंची पुलिस ने लाश नूं कब्जे विच लै के पोस्टमार्टम लई भेज दिता। पुलिस का कहना है कि इस मामले दे विच सीआरपीसी की धारा 144 तहत कार्रवाई करके अगली तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखते रहो।